जारे बेलेटान हो लुकाई के बगैर मुझे नींद बिनाती लात को माला टुकला बिला। जनाब को ध्यान से देखिए, यह जनाब मस्ती में बैठे हुए, जानते हैं कहाँ बैठे हैं? पुलिस थाना में बैठे हैं। जानकर आपको तो आश्चर्य होगा, आश्चर्यजनक होगा, जब क्यों बैठे हैं ये थाना में। इनको पहले मैं बता दूं, ये है अजीम मंसूरी जी, आप देख रहे हैं अजीम मंसूरी, कैराना क्षेत्र के जुड़वा कुआं जनपद शामली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से लेके सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक इन्होंने लगाई गुहार। जानते हैं क्यों? सिर्फ शादी के लिए। एक कहावत को इन्होंने चरितार्थ कर दिया है। उस कहावत को लोग कहा करते थे कि शादी का लड्डू, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इन्होंने उस कहावत को हकीकत में बदल दिया। कई दिनों से परेशान थे, घर वाले भी परेशान, गांव वाले भी परेशान, लेकिन इनकी सपनों की रानी बेगम बुशरा की तलाश थी, क्योंकि ये भी चाहते थे कि हम शादी वाला लड्डू खा के ही मरेंगे। जनाब ये थाने में हैं, और इधर अगर आप देखते हैं तो थाने से इनकी मोहतरमा बेगम बुशरा बगल में आपको देख रहे हैं, इन्हीं के लिए बेताब हैं और इनसे शादी करने के लिए गुहार लगाते हैं, प्रदेश के मंत्री से लेके देश के प्रधानमंत्री तक। लेकिन आज इनकी शादी हो चुकी है। शादी बन के देखिए किस तरह से बन ठन के दूल्हा बन के किस तरह से हाथ को फैलाए हुए हैं, और मंद बंद नजरों से और मंद बंद होठों पे मुस्कुराहट है। अगर देखा जाए तो अपनी बीवी को देखकर इनकी आंखें की जो पलक है ना, झपकने का नाम नहीं ले रही है। तो आगे बने रहिए वीडियो के साथ, हम आपको पूरी इनकी कहानी बताते हैं और वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तुमको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कंवारा मर जाऊंगा, ये कहावत आज सच्चाई सामने आ गई। नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं, मैंने बताया गजब हो गया। दूल्हा महा 2 फुट 6 इंच, दुल्हन 3 इंच, नाम अजीम मंसूरी, दुल्हन का नाम बेगम बुशरा। कहानी उत्तर प्रदेश से है। आपको मैं बता दूं कि कैराना क्षेत्र के जुड़वा कुआं जनपद शामली उत्तर प्रदेश के 2 फुट 6 इंच का बना दूल्हा। अब आप सोचते होंगे कि यह कैसे हो गया। कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत काफ़ी वायरल हुआ कि शादी को लेकर, आपने सुना नहीं होगा कि कोई थाने में जाता है एप्लीकेशन लेकर, लेकिन यह बंदा ने हद कर दिया। लाजमी है, एक कहावत आपने सुना होगा, शादी की लड्डू जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वही पछताएगा, वो भी पछताएगा। वही उस कहानी को, चरितार्थ को जमी पे उतारने के लिए बेताब हुए अजीम मंसूरी जी। ठान लिया कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। महज 2.5 फुट 6 फुट के हैं, लेकिन दिल में तो तमन्ना है कि मेरी रानी बनेगी कौन। अब कहानी आगे लेके चलते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा शासन प्रशासन से लेके प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, यहां तक कि इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई कि हमारी शादी कराई जाए। आज उनकी शादी हो गई। शादी पे उन्होंने कहा, कैसे कहा वीडियो में देख रहे होंगे, शादी धूमधाम से हुई। अब बड़ा अच्छा लगा, जिस तरह से लोग कहा करते थे जनाब मियां अजीम मंसूरी जी को कि शादी कैसे होगी, घर वाले भी नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी एक साथ हो, लेकिन कहाँ है, दिल है कि मानता नहीं, इस कहानी को भी उन्होंने धरती पे रख के ही दिखा दिया। लोग कहते हैं कि देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, तो उस देखने में महज छोटे हैं मियां अजीम मंसूरी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में तमन्ना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, पहला वीडियो उन्होंने वायरल हुआ कि थाने में गए, थाने की शुरुआत नहीं होती तो प्रदेश में गए, प्रदेश से देश में गए, और आज उनकी शादी हो चुकी है। कल शादी हुई, कल शादी होने के उपरांत बारात भी आई, कुछ लोगों ने
कहा ये तो महज कौतूहल था, लेकिन उस कौतूहल को हकीकत में बदलने में दुल्हा अजीम मंसूरी को टाइम नहीं लगा। उसने तुरंत अपनी कहानी को अंजाम हुआ कि हापुड़ जिले के रहने वाली बुसरा वो भी बेचैन थी, कौन बनेगा मेरे दिल का राजकुमार। आज बुसरा का भी राजकुमार बन गया और उनकी भी सपना पूरा हुआ। जिस तरह से लोग कहा करते थे, उस कहानी को लेकर आज गांव से लेके देश से लेके प्रदेश से लेके पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी शादी आप लोग पहली बार देखे होंगे कि थाने से उठती है, गांव से उठती है और देश प्रदेश तक सभी लोग जान जाते हैं। यह कहानी बहुत अजीब है, सबको है। आपको भी तमन्ना होगी कि हमारी शादी हो, हमारी बीवी हो, हमारे बच्चे हो, सबकी होती है। इसी तरह अजीम मंसूरी का भी था, बेगम बुसरा का भी था। ये कहानी महज लोगों के लिए कौतूहल था, लेकिन ये कहानी को चरितार्थ करने में उन्होंने जी जान लगाया। और आज अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि भवनाथ दिव्यांग ये सब, उस सबको एक तरफ रखते हुए अजीम अंसारी ने एक अलग अपनी जिंदगी में मोड़ दिया। जिस तरह से सब कुछ आप लोग ने वीडियो में देखा, हाँ लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए बस एक बार कहा मान लीजिए, तो इस धरती पे कुछ भी नहीं है मुश्किल। अगर आपको लगता है कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी कहानी क्या है ये आप जानते हैं। तो मित्रों, इस कहानी को बताने का यही उद्देश्य था और इससे आप लोग को सीख यही मिलती है कि किसी भी कार्य को अपने आप में ये मत देखिए कि मैं कैसा हूँ, मुझे लोग क्या कहेंगे। आप सिर्फ ठान लीजिए, निश्चित आपकी चरणों में होगा आपका मंजिल, चाहे वो शादी का मंजिल हो, चाहे वो नौकरी का मंजिल हो, चाहे वो बिजनेस का मंजिल हो। ये एक तरह से उदाहरण है मियां अजीम मंसूरी और बेगम बुसरा जी, ये दोनों लोग एक तरह से उदाहरण है, ताकि लोगों को उम्मीद नहीं जिद, और जब तक जिद नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। देश विदेश पूरा कायनात अब इनके साथ है, और महज गाँव के ही लोग नहीं, आज पूरा देश विदेश। और हाँ मैं आपको बता दूं कि जो लोग इनकी निंदा करते थे ना, आज वही लोग वाहवाही करते हैं। तो मित्रों, जिस दिन आपको मंजिल मिल जाएगी ना, निश्चित लोग वाहवाही करेंगे। इस कहानी को बताने का यही मेरा अर्थ था। और आपको कैसा लगा बेगम बुसरा का और अजीम मंसूरी की शादी, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग लगता है या फिर मुझे लगता है, मैं खुद जानता हूँ कि जिंदगी में मैं पहली बार 2.6 फीट का दूल्हा और 3 फीट की दुल्हन को देखा। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।